नमस्कार उज्जैन, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 12 अगस्त शनिवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। स्वच्छ शनिवार के तहत देवास ग्रिड बस स्टैंड पर श्रमदान। जर्जर भवनों को नगर निगम की रिमूवल टीम ने किया जमीन दोज। शिप्रा में फिर डूबा खंडवा का युवक, संदिग्धों को पूछताछ के बाद हिदायत देकर छोड़ा। पुलिस कर्मी और उसकी प्रेमिका ने शराब पीकर मचाया हुड़दंग। बड़नगर रोड पर हादसा, महिला की मौत। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ महाकाल दर्शन करने आए खंडवा के युवक की राम घाट पर शिप्रा में डूबने से मौत हो गई। वह नहाते समय गहरे पानी में चला गया। करीब 45 मिनट बाद उसके शव को बाहर निकाला जा सका। जानकारी के मुताबिक खंडवा जिले के राजनी का रहने वाला संदीप भार्गव अपने दोस्त निखिल राजपूत और विक्की यादव के साथ शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आया था। तीनों दोस्त मंदिर जाने से पहले शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए रामघाट पहुंच गए। इसी दौरान संदीप गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने पुलिस कर्मियों को मदद के लिए बुलाया। करीब 45 मिनट बाद उसे बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक संदीप की मौत हो चुकी थी। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 4 बजे भी भोपाल का 17 वर्षीय युवक ज्ञान नहाने के दौरान शिप्रा में डूब रहा था, जिसे SDRF के जवान महेश प्रजापत ने समय रहते बचा लिया। नहाते नहाते अचानक से वो उसमें चले गया, पानी के अंदर चले गया और काफ़ी टाइम तक नहीं निकला वो। हमने पुलिस भी बुलाई, उनने भी आधे घंटे बाद प्रोसेस चालू करी, चेक करा, 40-45 मिनट बाद उसको बाहर निकाला गया। रात को 11 बजे की ट्रेन थी, 2:30 बजे हम यहाँ उतरे, यहाँ से हम सीधे वहाँ गए और नहाने लग गए। अब उसके बाद मैंने रात को फ़ोन लगाया करीबन 11 बजे के समथिंग कि भैया अच्छे से आना, ये मेरी इतनी बात हुई रात को। अभी सुबह फ़ोन आया 4 बजे कि तुम हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारे बच्चे को एडमिट कर दिया है, इतना फ़ोन आया था मेरे पास। इलाज के दौरान एक्सपायर हुए या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया मुझे कि इलाज के दौरान एक्सपायर हुए। गुजरात से महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहा परिवार ग्राम चिकली के समीप शनिवार सुबह हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। हादसा ट्रक के ओवरटेक करने के कारण हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले अक्षित शर्मा अपनी पत्नी प्रियंका, सास पद्मा बेन और ससुर राजू भाई के साथ शनिवार सुबह महाकाल दर्शन करने कार से उज्जैन आ रहे थे। ग्राम चिकली के समीप तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने अक्षित की कार को ओवरटेक किया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर गड्ढे में जा गिरी। इसके चलते पद्मा बेन के सिर में चोट लगी और वह बेहोश हो गई। जैसे तैसे परिवार के अन्य सदस्य कार से बाहर निकले और पद्मा बेन को भी बाहर निकाला। अक्षित ने बताया कि उन्होंने 108 पर कॉल कर मदद मांगी, लेकिन 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई। इसके बाद निजी वाहन से अपनी सास पद्मा बेन को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार सिर में अंदरूनी गहरी चोट लगने से उनकी मौत हुई है। तो वडनगर से उज्जैन 10 किलोमीटर पहले कोई ट्रक वाला ओवरटेक करके आया, मुझे ठोक के चला गया, तो मेरा संतुलन बिगड़ गया। मैं फैमिली बचाने के लिए तो मैंने गाड़ी उतार दी गटर में, तब तो मेरी अम्मा की डेथ हो गई इसकी वजह से। अब उज्जैन शहर में आया है एक सुनहरा अवसर। टैटू इंडस्ट्री में उज्जैन की फर्स्ट फीमेल टैटू आर्टिस्ट के साथ बनाए अपना करियर, और ये लाए हैं आपके लिए ड्रेडलॉक्स, ब्रेडलॉक्स, परमानेंट लॉक बैंड। मेन एंड वुमेन जो अपने गंजेपन या हेयर लॉस से परेशान है, तो हमारे पास है मेन एंड वुमेन के लिए विग एंड रिप्लेसमेंट की सुविधा। हेयर पैसेज, ऑल स्कैल्प पार्टिंग अवेलेबल, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, केराटिन, बोटॉक्स, हेयर ट्रीटमेंट और फेस ट्रीटमेंट की भी सुविधा, फुल बॉडी पियर्सिंग वो भी पेनलेस, एंड अपने पसंदीदा ज्वेलरी के साथ नई टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ सीखे टैटू आर्ट्स, एक लाइन ड्रॉ से लेकर पूरे फेस पोर्ट्रेट पेंटिंग के साथ पियर्सिंग एंड डेडलॉक्स, सभी कोर्सेज मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे एक ही फीस में। तो चले आइए एक बार पिंक पैंथर टैटू स्टूडियो एंड इंस्टीट्यूट। हमारा पता है D39 ऋषि नगर उज्जैन। अभी कॉन्टेक्ट करें खुशबू पांचाल 7067538811। नीलगंगा थाना क्षेत्र की शांतिनगर बस्ती में साधुओं की वेशभूषा में घूम रहे दो संदिग्ध युवकों को हिंदू जागरण मंच जिला उज्जैन के संयोजक अकीश दलाल और कार्यकारिणी सदस्य राहुल सिसोदिया ने शुक्रवार को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर दोनों ने
कोई संतुष्ट पूर्ण जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें नीलगंगा पुलिस के हवाले कर दिया गया। अतीश और राहुल ने पुलिस को शिकायती आवेदन भी दिया, जिसमें बताया कि उक्त दोनों युवक शांतिनगर बस्ती के घरों में तांग झा कर रहे थे। पुलिस ने उनके आधार कार्ड चेक की तो एक शख्स का नाम सराफत जोगी था, जो अमेठी यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने पहचान पत्र वेरीफाई करने और कुछ असामान्य नहीं मिलने पर दोनों को हिदायत देकर छोड़ दिया। कुछ लोग थाने में सूचना दिए थे कि ये संदिग्ध हैं और इनके पास में जो है पूजा वगैरह की सामग्री है और ये घूम रहे हैं। इस संबंध में जो है तत्काल थाना नीलगंगा की टीम ने जो है उनसे पूछताछ वगैरह की, जो उनके क्रेडेंशियल्स थे, उनके पहचान पत्र वगैरह थे, उनको वेरीफाई किया, वो कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों आए हैं, इन सब चीजों की तस्दीक की गई है। वो यहाँ पे दीगर थाना क्षेत्र के एक डेरे में रुके थे, वो वेरीफाई किया गया और पूरी जानकारी लेने के बाद में कहीं कुछ असामान्य नहीं मिला तो उनको जो है हिदायत देकर रवाना किया। नगर निगम की रिमूवल टीम ने बारिश में जर्जर भवनों से होने वाले हादसों के मद्देनजर शनिवार को गुदरी चौराहा और कसाई वाड़े के समीप दो गिराऊ भवनों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान निगम कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के ही मकान तोड़ने की कार्रवाई करते नजर आए। ऐसे में जरा सी चूक उनके लिए घातक साबित हो सकती थी। इस दौरान भवन अधिकारी जगदीश मालवीय, भवन निरीक्षक ज्योत्सना उवनाने सहित पुलिस फोर्स मौजूद रहा। आपको बता दें कि इससे पहले 22 जून को भी पटरी बाजार के मुख्य मार्ग स्थित जर्जर मकान को भी रिमूवल टीम ने गिरा दिया था। टू व्हीलर्स खरीदने और बेचने के लिए संपर्क कीजिए। बुलेट के सभी मॉडल्स उपलब्ध, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रिजनेबल ऑटो डील, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज, उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9993031222 और 9981414222। नगर निगम द्वारा आज देवास गेट बस स्टैंड पर स्वच्छ शनिवार का आयोजन किया गया। इसमें जन प्रतिनिधियों और निगम अधिकारियों ने झाड़ू लगाई और कचरा भी उठाया। इस अभियान में युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। दरअसल हर शनिवार को नगर निगम द्वारा स्वच्छ शनिवार का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज सुबह नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, स्वास्थ्य प्रभारी सत्य नारायण चौहान एवं निगम अधिकारी देवास गेट बस स्टैंड पहुंची और वहां श्रम दान किया। इसके पश्चात जन प्रतिनिधियों ने वहां के दुकानदारों को सफाई का विशेष ध्यान रखने की समझाइश भी दी। अंत में सभी ने शहर को साफ रखने की शपथ भी ली। देश की जनता को जन जागरण, ये 14वां शनिवार है जहाँ पर हर क्षेत्र में हम जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ पर भी जनता को जागरूक करने का काम किया। यहाँ जो दुकानदार है उनको कहा कि भाई डस्टबिन रखें, आप साफ डस्टबिन रखें, लोगों को डस्टबिन में डालने की व्यवस्था बना के रखें। और हर शनिवार को स्वच्छता मिशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से पहली प्राचीन पर कहा था कि स्वस्थ होंगे, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए उज्जैन की समस्त जनता से अनुरोध है कि उज्जैन को नंबर वन बनाना है। इसलिए हमारा कचरा डस्टबिन में हो, जो गाड़ी आती घर घर उसको कचरा दें ताकि हमारा उज्जैन स्वच्छ और साफ रहे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।